हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम खेलने जा रहे हैं एक नई गेम प्ले सीरीज जिसका नाम है कंप्यूटर रिपेयर शॉप सिमुलेटर। बेसिकली इस गेम में हमें ओपन करना है हमारा एक कंप्यूटर शॉप, जिसमें कि हम करने वाले हैं हमारे तरफ आने वाले कस्टमर के कंप्यूटर की रिपेयरिंग और सेल करने वाले शायद से कोई प्रोडक्ट और बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर। तो चलो शुरू कर दे। ओके, तो यहाँ पर हमारा खुद का शॉप भी नहीं है, तो हमें यहाँ पर ये शॉप रेंट पे लेना होगा। तो शॉप ये क्या ऑप्शन है, शायद हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो चलो इसको हमने रेंट कर लिया। ओके, तो अभी हम इंटर हो चुके गेम में। वेलकम कंप्यूटर रिपेयर शॉप, दिस इज हॉस्टल रूम वेयर यू स्लीप, यू हैव पे एवरी डे, इफ यू फॉल स्लीप ऑन द स्ट्रीट योर मनी कैन बी स्टोलन। ओके, तो यहाँ पर हमें ये हमारा हॉस्टल रूम रेंट से लेना होगा, और अगर हम रास्ते पे सोए तो वहाँ पे हमारा पैसा भी चोरी हो सकता है। तो भाई यहाँ पर चोरों की कुछ कमी नहीं दिख रही है, तो हमें रूम रेंट पे ले ही लेना होगा। ये हमारा रूम तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, यहाँ पर एक बेड है, बेड नहीं बोलेंगे हम इसको, खटिया बोलेंगे। एक चेयर भी है, एक यहाँ पर ड्रॉअर है, और यहाँ पर हैंगर भी है, और रूम तो बढ़िया है, लाइट भी अच्छी है रूम में। इधर शायद मिरर है, लेकिन मिरर तो बहुत ही काला हो चुका है यार, इसमें चेहरा भी नहीं दिख रहा। तो जाने दो, इससे हम कुछ रेंट कम देंगे शायद, नहीं यार वो लेगा थोड़ी हमसे कम, तो हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो दे भी देंगे। और यहाँ पर कोई शॉप है शायद, नहीं यहाँ पर ये शॉप नहीं है, ये हॉस्टल का ओनर है हमारा, और ये कह रहा है कि प्रे टू पे नाइटली फी। ओके, तो ये हमें $50 हमारा एक नाइट का स्टे का यहाँ पर चार्ज है, तो ये हमसे अभी $50 मांग रहा है, लेकिन हम इसे अभी नहीं दे सकते क्योंकि हमने अभी कुछ अर्निंग भी नहीं की। तो हम इसे देंगे बाद में, कुछ कम करके कमा लेंगे। तब तक ये हमें ये कैन उठा लेते हैं, ताकि ये, अरे नहीं यार ये हम कैन भी नहीं उठा पा रहे। तो चलो जल्दी से चलते हैं अभी काम पे, हमारा फर्स्ट डे हम करेंगे शुरू इधर ही। लेकिन हमारा शॉप इस साइड है शायद, 30 मीटर आगे हमारा शॉप है। ये क्या है, नहीं ये हमारा शॉप तो नहीं है, ये शायद किसी और का शॉप है। और ये क्या है, यहाँ पर रोबो गर्ल है, टुमारो आई विल बी न्यू रोबोट। ओके, तो इसने ये न्यू रोबो लाए है, तो ये प्रेस टू बाय $300, $300 का एक रोबो ये। तो रोबो तो बढ़िया लग रहा है यार, लेकिन ये काम क्या करता है, या शायद सिर्फ स्टैचू रोबो है, इसे भी खरीदेंगे हम, लेकिन थोड़ा सा पैसा कमा लेते हैं फिर से। लेकिन ये इसका सेल्समैन तो देखो, इसके सिस्पैक कैसे सिस्पैक देख रहे हैं, और यहाँ पे ये मक्खियाँ बहुत ही ज़्यादा बिन बिना रही है, शायद ये हनी सेल करता होगा, हनी नहीं सेल करता है। तो चलो ये रोबो हम बाय करेंगे, लेकिन पहले कमा लेते थोड़ा पैसा, पहले जल्दी से हमारे शॉप पे चलते हैं। इसलिए किधर है हमारा शॉप, हमारा शॉप शायद इसकी दूसरी वाली लेन में है। ये रहा यहाँ पर हमारा शॉप, और इधर कैट भी है शायद, कहाँ पर ही जाने दो, कैट को बाद में देखेंगे, पहले चलो ये ओनर है शायद हमारे शॉप के, गेट द फक अप हियर। ओके, ये हमें मार रहा है भाई, ये तो होमलेस पीपल है जो कि हमारे शॉप पे कब्जा करके बैठते। अरे नहीं यार, अरे वेट 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 वेट, बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, हमारे शॉप पे किसी ने कब्जा कर लिया है। तो चलो जल्दी से हमें अभी उनको वहां से भगाना होगा, लेकिन हमें किसी की मदद लेनी होगी। एक्स द मस्कुलर मैन फॉर हेल्प टू रीट ऑफ द राइडर्स। ओके, तो यहाँ पे हमें एक बॉडी बिल्डर की मदद लेनी होगी, जो कि हमें मदद करेगा उन होमलेस पीपल को हमारे शॉप से भगाने में। तो चलो जल्दी से उसके पास चलते हैं। ये रहा यहाँ पर है शायद कहीं पे, ये रहा यहाँ पर है बॉडी बिल्डर। यार इसकी बॉडी बिल्डी तो तगड़ी है, बहुत ही स्टेरॉइड लेता है शायद, बॉडी बढ़िया है इसकी। चलो इससे ये क्या है इधर, कंप्यूटर पार्ट्स। ओके, तो यहाँ पर कंप्यूटर पार्ट की दुकान है यार, मतलब ये क्या हमारा कॉम्पिटिटर है क्या, या शायद हमें इसके पास पार्ट लेने के लिए आना होगा। चलो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम लेंगे बॉडी बिल्डर को। लुक्स यू वाज अ रेन होमलेस वर्क एंड यू पी पे मी $50, आई विल गिव यू बेसबॉल बैट एंड आई विल हेल्प यू टू बीट। ओके, तो ये हमें कह रहा है कि मुझे $50 दो और मैं आपको एक बेसबॉल बैट भी दूंगा और आपको हेल्प भी करूंगा उस पीपल को तुम्हारे शॉप से भगाने में। तो चलो इसको हमने $50 दे दिए, तो चलो अभी जल्दी से इसके पीछे पीछे जाएंगे हम। किधर गया, अरे रुक थोड़ा मेरे लिए, पेलोन देखो कैसा चल रहा है, वो पूरे पैर पका के, बहुत ही ज्यादा बॉडी बिल्डर है। इधर है, अरे क्या, अरे यार ये क्या बॉडी बिल्डर था, ये तो $50 खा के एक ही झटके में गिर गया। तो चलो अभी ये हमारे को ही करना होगा कुछ, क्योंकि हमारे पास बेसबॉल बैट है। तो ये ये क्या, एक ही बैट में सो गए, और ये पेलवान को, अरे नहीं गया, अरे ये क्यों नहीं जा रहा, पेलवान किधर है तू, पहलवान ने बहुत ही, इतनी बॉडी का क्या फायदा यार तेरा। और ये देखो, अरे
नहीं, तुमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा भाई तुमने। और ये रही हमारी यहाँ पर शॉप, और शॉप में यार बहुत ही ज़्यादा इन्होंने कचरा फैला के रखा है, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ग्रेफिटी भी बना के रखी है इन्होंने। तो चलो जल्दी से हमें अभी ये शॉप को क्लीन करना होगा। और ये कैट देखो, इसी का आवाज़ मुझे सुनाई दे रहा था। चलो कैट यू ऑलरेडी आइटम, तो चलो इसको यहाँ पर रख देते। ओके, बेसबॉल बैट हमने रख दी, अभी इस कैट को। ओ भाई क्यूट सी कैट है, चल जा तू अभी मेरे को क्लीनिंग करने दे। यहाँ पर हमें मॉब लेते हैं। ओ ये रहा यहाँ पर मॉब, और अभी हमें क्लीनिंग करनी होगी शॉप की, तो चलो करते शुरू। सब कुछ बाहर फेंकना होगा हमें, कचरा कुचरा। तो यहाँ पर हमने डर्ट पूरा क्लीन कर दिया। अभी हमें यहाँ पर कुछ ये ट्रैश पड़ा हुआ है, इसे भी उठा के अभी डस्टबिन में डाल देना चाहिए। तो किधर है ये सारा ट्रैश यहाँ पर पड़ा है, इसको कैसे उठाएंगे? ओ ये सीधा डस्टबिन में जा रहा है अभी। ओके ये कैन भी, बहुत शायद वो बियर की कैन होगी उनकी। चलो इन सबको अभी, ओके तो इस ट्रैश को भी डस्टबिन में डाल देता हूँ। ये बड़ा गद्दा भी अभी डाल देते ट्रैश में। ओ चला गया शायद, और कुछ बचा है? हमने पूरा ट्रैश भी अभी डाल दिया, लेकिन ये ग्रेफिटी भी हमें अभी क्लीन करनी होगी। दीवार भी क्लीन कर लेते हैं जल्दी से, फिर से मॉब लेते और दीवारों को भी क्लीन कर लेते। तो यहाँ पर हमने अभी हमारी दुकान को अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है। और ये बिल्ली है यार, अभी भी यहाँ पर घूम रही है यार, या शायद हमारी है क्या ये, या शॉप ओनर की है, क्या पता हमें। तो ये देखो यहाँ पर हमारा पहला कस्टमर यहाँ पर पीसी रख के चला गया यार, है कौन है वो, हमें दिखा तो नहीं, लेकिन चलो इसका पीसी उठाते हैं। और इसको रिपेयर कहाँ पे करना है? शायद वो हमारे पिछले वाले रूम में इसे रिपेयर करना होगा हमें। ये देखो यहाँ पर हमारा रूम में अभी ये इतना सामान हमारे पास ऑलरेडी है, जैसे कि ये क्या है, ये है क्या, ये सेल गन, कुछ सेल गन है शायद है। और ये यहाँ पर है एयर ब्लो। ओके तो ये जब हमारे धूल मिट्टी उड़ाने के काम का है। ये क्या है यहाँ पर, फ्लैश ड्राइव, ये टर्मिनल है, मतलब यहाँ पर शायद कुछ पैकेजिंग पैकेजिंग पुकेजिंग होती होगी। और यहाँ पर एक कंप्यूटर पार्ट फाउंड। ओके तो चलो यह भी हमें इसे रिपेयर करना होगा। हमारे पास तो पूरा सामान नहीं है अभी, पूरी खाली खाली है हमारी दुकान, तो लेकिन हम इसे ट्राई करेंगे। ओ ये देखो यहाँ पर शायद कोई नोट लगी हुई है। बाय दिस कंप्यूटर लास्ट वीक फ्रॉम शॉप सेलिंग स्टोलन गुड्स बट इट वॉन्ट बूट, द गाय सेलिंग इट सेड ऑल द पार्ट्स वर्क, द थीप सेज कंप्यूटर वाज बर्न्ड। तो इसने ये जो पीसी है गाइस, ये इसने लिया खरीदा था एक चोर बाजार से। अबे भाई चोर बाजार से खरीदेगा तो तेरे को क्या नया मिलेगा क्या, सारे के सारे पार्ट खराबी भी निकलेंगे ना। देखो अभी इसे चेक करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या खराबी है। तो लुक्स लाइक दी इज ए पावर सप्लाई इन साइड द केज। ओके तो इसके अंदर है पावर सप्लाई नहीं है, तो हमें अभी इसके अंदर पावर सप्लाई डालना होगा। ये क्या है, हमारा मॉनिटर चालू होता है क्या, एक बार चेक कर लेते। नहीं यार कंप्यूटर नॉट वर्किंग, तो चलो इसमें अभी अभी पावर सप्लाई डालते हैं और फिर चेक करते हैं कंप्यूटर को। तो पावर सप्लाई हमें ऑर्डर करना होगा, ये जैमेजॉर ड्रोन बोल के एक ऐप है, वहाँ से हमें पावर सप्लाई ऑर्डर करना होगा। ये देखो हमारे पास यहाँ पर $950 है, मतलब $1,000 थे शायद से, $15 हमने बॉडी बिल्डर को दिए थे। जैमेजॉर ड्रोन से हम अभी पावर सप्लाई ऑर्डर करेंगे। ये रहा पावर सप्लाई, और कौन सा पावर सप्लाई, हम ज़्यादा महंगा नहीं ऑर्डर करेंगे यार, तभी तो हमें पैसे रहेंगे कुछ। तो ये हम $100 वाला हमने पावर सप्लाई ऑर्डर कर दिया, और ये इस पावर सप्लाई की डिलीवरी आएंगे अभी सीधा ड्रोन से। तो चलो जल्दी से चलते हैं अभी डिलीवरी लेने। ये रहा ड्रोन आ गया है यहाँ पर, और ये योर ऑर्डर हैज़ बीन डिलीवर। तो चलो जल्दी से इस बक्से में, इतना बक्से में, तो इसमें से पावर सप्लाई निकाल के हमें डालना होगा। तो इसको कहाँ पे रखेंगे, बक्सा यहीं पे रख देते हैं। चलो हाँ यहाँ पर बक्सा रख दिया हमने। अरे रख जा, रुक जा वहीं पे। तो अभी ओपन करके पावर सप्लाई निकाल के इसमें कैसे डालेंगे, अभी इसे खोलना होगा क्या हमें? हाँ से खोलेंगे, लेकिन इसे वेट 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 वेट, यही पे शायद। ये देखो यहाँ पर हैंड है, मतलब हमारे हैंड में पावर सप्लाई है, तो इसे हमें इसे पीसी में डालना होगा। ओके तो यहाँ पर हमने पावर सप्लाई डाल दिया इसमें, और क्या हुआ, पीसी चालू नहीं हुआ। अरे यार प्रेस टू इनसाइड द कंप्यूटर केस, चलो इसे हमें अभी चालू करना होगा।
टर्न ऑफ द ऑन द कंप्यूटर एट द टेस्ट। ओके, तो यहाँ पर अभी हमें टेस्टिंग के लिए अभी कंप्यूटर चालू हो जाएगा क्योंकि हमने किसी को पावर सप्लाई दे दिया है। और ये देखो, ये कितना पुराने ज़माने का कंप्यूटर है यार, मतलब यहाँ पे ड्रोन से डिलीवरी होती है और कंप्यूटर है पुराने ज़माने का। माइक्रोसॉफ्ट अवेजॉन स्पीडी ये कंपनी उन्होंने किया तो है कुछ, तो यहाँ पर ये बराबर से चालू हो चुका है। क्या है इसके अंदर, WW हो क्या नहीं? तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट ऑर्डर शायद से हमने कंप्लीट कर दिए। तो चलो इसको अभी उठाते और इसको हमें प्लेस द कंप्यूटर केस इन द पैकेजिंग सेक्शन एंड कंप्लीट द पैकेजिंग प्रोसेस फ्रॉम द स्क्रीन। ओके, तो ये देखो यहाँ पर हमें ये पैकेजिंग के लिए रखना होगा। ओके, और यहाँ से हमें इसकी कंप्लीट प्रोसीजर करनी होगी। कस्टमर स्पेस 4GB रैम वाला है, ऑल कस्टमर रिक्वेस्ट कंप्लीट। ओके, तो हमने यहाँ पर कस्टमर की सारी रिक्वेस्ट कंप्लीट कर दी है। कंप्लीट द प्रोसेस। ओके, ओह ये देखो कितना बढ़िया तरीके से पैक हो चुका है। और कस्टमर कहाँ पर है, डिलीवर द कार्गो फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। तो इसे हमें पोस्ट ऑफिस में डिलीवरी करना होगा। तो पोस्ट ऑफिस अभी पास में ही है शायद। ओ ये रहा यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, इधर ही। ओ ये रहा यार, चलो इसे अभी हम पोस्ट ऑफिस में डिलीवर कर देते हैं। ओके, ड्रॉप द कार्गो। सक्सेसफुली हमने इसे डिलीवर कर दिया और हमें अभी मिल चुके हैं $200। कौन कस्टमर गया है शायद हमारी शॉप के अंदर। ओ ये रहा हमारा कस्टमर। ओके, टॉक टू द, इसका नाम है जोए। आई सॉ अ न्यू शॉप ओपन, आई कैम हियर, आई एम पी एडिक्ट एंड आई थिंक कंप्यूटर इज ब्रोकन, आई कांट गेट अ जोर्नअप गेट इन टू जोपर जोर्नअप, कैन यू चेक इट आउट, आई नीड अ फास्ट, आई कांट टेक इट एनी मोर। ओके, तो भाई इसने इस कंप्यूटर पे देखा था कुछ पी ज़्यादा देखता था ये, तो उसके वजह से इसके कंप्यूटर में शायद से बहुत ही ज़्यादा वायरस चले गए और इसे ये अभी जल्दी से चाहिए। ये बहुत एडिक्ट हो चुका है उस चीज़ का। और इसे कौन सी वेबसाइट है, जोर्न हब नाम की वेबसाइट है, उससे इसके पीसी के अंदर बहुत ही ज़्यादा वायरस आ चुके हैं। तो चलो किधर है तुम्हारा पीसी, दो इधर, तुम्हारी जोर्न हब की आदत भी छुड़ाएंगे हम। इसे उठाते और चलते हैं हमारे रिपेयर काउंटर पे। क्या जोर्न हब है यार इसका, क्या जोर्न हब इस गेम में भाई, अश्लीलता तो कुट कुट के भरी हुई है। तो चलो इसे हमें पहले देखना होगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। कैन नॉट इंटर जोर्नब, ओह वही, ये तो इन्होंने हमें पहले ही बता दिया कि आपको जोर्नब में इंटर नहीं होना है, लेकिन हम होंगे जरूर। इंस्टॉल द AVR ऑन द कंप्यूटर फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द फ्लैश डिस्क। ओके, तो हमें जो AVR है हमारे पास उसे इंटर करवाना होगा फ्लैश। ओके, तो इसे हम इंटर करेंगे हमारे पीसी में। तो हमने इंटर तो कर दिया लेकिन कुछ हुआ नहीं। इंटर कर दिया तो शायद से अभी हमें मॉनिटर अभी चालू कर लेना चाहिए। ओके, तो ये देखो अभी मॉनिटर चालू हो रहा है। अभी हमें क्या क्या करना है, क्लीन द कंप्यूटर यूज द ईयर बॉल, मतलब जो कंप्यूटर में धूल मिट्टी गई है वो हमें क्लीन करनी है, और क्रैक द कंप्यूटर पासवर्ड यूज। ओके, तो हमें पहले तो इस कंप्यूटर का पासवर्ड चेक क्रैक करना होगा क्योंकि ये बंदा पासवर्ड भी भूल चुका है। ओके, तो ये ओके ओके ओके, पासवर्ड क्रैकर। तो चलो यहाँ पर हम अभी पासवर्ड क्रैक कर लेंगे। क्या है पासवर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे पासवर्ड इतना आसान कौन रखता है यार, इसने पासवर्ड क्रैक कर लिया। तो पासवर्ड तो मिल चुका है हमें। ओके, तो यहाँ पर इसका कंप्यूटर ओपन हो चुका है। अभी क्लीन द कंप्यूटर, कैन नॉट इंटर जोर्नब न्यू कंप्यूटर फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द फ्लैश डिस्क ऐप। तो चलो अभी इसे हमें करना होगा यहाँ पर AVR में जाके स्टार्ट वायरस स्कैनिंग। तो पूरे वायरस भी निकालेंगे हम अभी यहाँ पर। और भाई वायरस स्कैनिंग तो ऐसी हो रही है जैसे रियल में होती है, शायद पूरी की पूरी सही तरीके से वायरस स्कैनिंग हो रही है, 15% 16%। ओके, तो यहाँ पर हमारी वायरस स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसमें स्कैन कंप्लीटेड, नंबर ऑफ वायरसेस क्लीन 300। भाई 300 वायरस थे इसके ये कंप्यूटर में। तो चलो वायरस स्कैनिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। तो चलो किधर है इसकी जोर्नब, WW पे होगी। और ये रही यहाँ पर जोर्नब, क्या है जोर्नब में हम भी एक बार चेक कर लेंगे। ओह जोर्नब में ये कौन, इलॉन मस्क से शायद। इलॉन अंकल क्या देख रहे, माय प्रोसेसर गॉट गेट वेरी हॉट, माय प्रोसेसर गॉट वेरी हॉट, माय रैम इज बर्निंग। अरे क्या अश्लीलता फैला के रखी है इन्होंने, आई वांट टू पुट थर्मल पैक्स टू मी। ओके, डू यू कैन ओवरकेम मी। अरे इतनी अश्लीलता फैला के रखी है यार इन्होंने। ये क्या है, नीचे
बुप बुप। अरे बंद करो इसे जल्दी, जोरनब चलाता है। चलो इसे अभी दे देते। किधर है हमारा पीसी? ये रहा यहाँ पर, और इसे हम रखेंगे यहाँ पर। नहीं, अरे यार क्लीनिंग रह गया। ओके ये रहा, यहाँ पर अभी डर्ट निकलना चालू हो चुका है। ओके तो यहाँ पर हमने इसकी पूरी धूल निकाल दी। अभी शायद से हमें इसे डिलीवर करना होगा। हमने तीनों के तीनों टास्क पूरे कर लिए। इसे पैकिंग करेंगे। अरे नहीं, डिलीवर टू द केस। ओके तो ये हमें सीधा मतलब जो हम डिलीवरी करेंगे ना उसी को हमें पैक करना है। इसे हम सीधा कस्टमर को दे सकते हैं। तो डिलीवर टू द कंप्यूटर प्लेस ऐप। ओके तो यहाँ पर हमने इसे एक्सीडेंटली लॉस्ट द फ्लैश डिस्क, यू कैन बाय अगेन फ्रॉम द। अरे यार हमने जो फ्लैश डिस्क लगाई थी वहाँ पे पीसी में वो उसी के साथ चली गई। मतलब हमें नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया और फायदा हुआ $200 का। यार फ्लैश डिस्क निकालने का यार, ओ ये क्या है भाई यहाँ पर? अश्लीलता बढ़ती जा रही है यार इस गेम में। प्रेस टॉक टू। अरे क्या पेन क्या है ये दीदी आप? चलो इसे बात करके देखते हैं। हे आई एड यू फिक्स कंप्यूटर। ओके आई एम ए फेमस स्टार हु मेक्स अमेजिंग वीडियो फॉर ओनली मैंस। ओके तो ये ओनली मैंस पे वीडियो बनाती है। बट जस्ट आई सॉ मेकिंग अ वीडियो, माई कंप्यूटर क्रैश्ड, प्लीज फिक्स इट। आई डोंट अंडरस्टैंड मच, आई स्टिल हैव अ ल्यूब्रिकेंट ऑन मी, इफ यू कुड हरी दैट इज बी ग्रेट। ओके तो ये एक गर्ल है जो ओनली मैंस पे वीडियो बनाती है। कौन सी वीडियो वो मत पूछना। और ये अभी वीडियो बनाते बनाते इसका कंप्यूटर क्रैश हो गया और अभी इसको इसके आंग पे भी लुब्रिकेंट लगा हुआ है पूरा का पूरा। तो चलो जल्दी से इसका कंप्यूटर रिपेयर कर देते हैं इसका लुब्रिकेंट खत्म होने से पहले। दो इधर ओ इसने भी नोट्स लगाई है शायद यहाँ पर। ओके इसका नोट्स क्या है पढ़ लेते एक बार। इट्स ब्रोकन, इट ऑन्ट ओपन। ओके ये क्या यार, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। फाइंड द प्रॉब्लम पार्ट, प्लेस रिपेयर, यूज कंप्यूटर विकी। ओके तो यहाँ पर हमें कंप्यूटर विकी यूज करना होगा। पार्ट में प्रॉब्लम है। ओके को कंप्यूटर विकी में देखेंगे। इसके रैम बराबर है, पावर सप्लाई बराबर है, मदरबोर्ड मेन बोर्ड भी बराबर है, हार्ड डिस्क भी बराबर है, डिस्प्ले भी कार्ड बराबर है, सीपीयू एरर। ओके तो इसके पीसी में सीपीयू एरर हो चुका है। तो हमें अभी सीपीयू ऑर्डर करना होगा क्या शायद? एक बार चेक कर लेते सीपीयू किधर इसका। सीपीयू पावर सप्लाई मेन बोर्ड, ओ ये रहा सीपीयू। तो चलो इस सीपीयू को निकाल लेते हैं पहले। इसे रख देंगे यहाँ पर। अरे नहीं यार ये किधर चला गया। और हम अभी नया सीपीयू ऑर्डर करने वाले। ये सीपीयू रहा, कौन सा है? $110, $170, $230। शायद से हमें थोड़ा सस्ता वाला मंगाना चाहिए। कंप्लीट ऑर्डर। तो हमने यहाँ पर सीपीयू ऑर्डर कर दिया। ओके यहाँ पर रखेंगे ठीक से। ओके अभी ओपन करके सीपीयू इसमें हमें डालना होगा। अभी तेरे सीपीयू ये रहा, यहाँ से हम डालेंगे इसको। ओके तो यहाँ पर हमने सीपीयू डाल दिया, चालू हो जाना चाहिए। वो बेचारी बाहर वेट वेट कर रही है, उसका ओनली मेंस पे वीडियो अपलोड करना होगा उसे। और ये क्या है, ये हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। और ये देखो भाई यहाँ पर कोडिंग काडिंग चालू हो चुकी है। और ये भी देखो हमारा मॉनिटर भी चालू हो चुका है अभी। तो ये बराबर क्या क्या है इसका, इसके अंदर भी जाके देखते थोड़ा। माय कंप्यूटर डिवाइस, फोटो मीटो क्या है इसमें? ओ भाई ये क्या डाल के रखा है यार इसने यहाँ पर? नहीं ये की फोटो है क्या? ओ ये की है, नीचे आदमी ऊपर लड़की। बहुत डेड द बॉय रज बीवी सीन है। वो गेम भी है इसके पीसी के अंदर। ये भी यार में क्या क्या है इसका, वायरस स्कैनिंग भी करके देखते। कुछ नहीं है इसके अंदर, नहीं है वायरस। www.com जोरनब पे क्या है? जान दो जान दो जान दो जान दो, बार बार नहीं देखेंगे उसे। ओके तो शायद से हमने इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो अभी जल्दी से उसे देकर आते। किधर है, बाहर ही खड़ी है शायद। ले लो आपका यप। ओके तो इसने हमें दे दिए $150। और शायद से आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हमें जल्दी से अभी सोने के लिए जाना होगा। अगर हम यहाँ पर खड़े खड़े अगर सो गए ना, तो यहाँ पर हमारा जो हमने पैसा कमाया है वो सारा का सारा
स्टोलन हो सकता है। वेट वेट वेट, अभी तो हमारे पास अच्छा खासा पैसा आ गया है, तो मुझे लगता है कि ओ ये, अरे यार ये या तो दूसरा पीसी लेके आ रहा है, इसे हम बाद में करेंगे था हमारे हॉस्टल की तरफ, और उसे $50 भी दे देंगे। बहुत ही ज़्यादा भाव खा रहा था वो, घूर घूर के देख रहा था हमें, उसे लगा कि ये हमारा बिना पैसा दिए भाग जाएगा। ओ शायद सही से पहले पैसा दे देते अरे भाई, उसने डोर लॉक करके रखा था डोर भी लॉक करके रखा था यार, उसने खोलने नहीं दे रहा था वो बिना पैसे दिए। तो चलो यहाँ पर जल्दी से सो जाते, और अभी हम नेक्स्ट एपिसोड में वो हमारे पास अभी पैसा आ चुका है तो हम उस रोबो गर्ल को भी खरीद लेंगे, और कुछ नई चीज़ें होंगी वो हम खरीद लेंगे, क्योंकि हमारा शॉप बहुत ही खाली पड़ा है, तो वो सब ट्राई करेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गेम प्ले के साथ। गुड बाय।